दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी के ओवर में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 56वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से हरा दिया। जीत के बाद दिल्ली ने आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 221 रन का स्कोर बनाया और फिर राजस्थान को निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 201 रनों पर रोक दिया। दिल्ली ने इस जीत के साथ ही सीजन के पिछले मैच में राजस्थान से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। अगर मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली को मैकगर्ग और पोरेल ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 26 गेंदों पर ही 7 रन जोड़ डाले। इस मैच में मैकगर्ग ने शुरुआत से ही राजस्थान के गेंदबाजों की खबर ली। मैकगर्ग ने इस मैच में भी 20 गेंदों पर अपना तीसरा अर्धशतक जड़ डाला। उन्होंने 20 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। उन्हें अश्विन अन्ना ने आउट किया। मैकगर्ग के आउट होने के बाद शाई होप भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि फिर अक्षर पटेल और पोरेल ने तीसरे विकेट के लिए 42 रन तथा पोरेल और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 34 रन जोड़कर दिल्ली कैपिटल्स को 150 के पार पहुंचाया। पोरेल ने 36 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्कों के सहारे 65 रनों की तूफानी पारी खेली। पटेल और पंत ने 15-15 रन बनाए। आखिरी के ओवर में गुलबदीन नाइफ और ट्रिस्टन स्टब्स ने छठे विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी करके टीम को 221 तक पहुंचा दिया। स्टब्स ने 20 गेंदों पर 3 चौके और इतने ही छक्कों के सहारे 41 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा ट्रेंट बॉल, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल ने एक एक विकेट झटकाया। इसके बाद दिल्ली से मिले 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही और टीम ने 4 रन के स्कोर पर ही यशस्वी जायसवाल के रूप में अपना पहला विकेट खो दिया। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन ने जॉस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी करके टीम को मजबूती दी। इसके बाद मुकेश कुमार ने जॉस बटलर को अपने जाल में फंसा ही लिया था कि स्टब्स ने बटलर का कैच छोड़ दिया। 8 रन के स्कोर पर जीवनदान मिलने के बाद भी बटलर इसका फायदा नहीं उठा सके और टीम के 67 के स्कोर पर दूसरे बल्लेबाज के रूप में आउट हो गए। बटलर के आउट होने के बाद संजू ने रियान पराग के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 और फिर शुभम दुबे के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी करके राजस्थान को मुकाबले में बनाए रखा। राजस्थान को जीत के लिए अंतिम 5 ओवरों में 63 रनों की जरूरत थी और तभी अगले ही ओवर में कप्तान संजू सैमसन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। संजू को लॉन्ग ऑन के फील्डर शाई होप ने बाईं तरफ जाकर बाउंड्री के पास शानदार कैच लपक लिया। सैमसन ने 46 गेंदों पर 8 चौके और 6 छक्कों के सहारे 86 रनों की शानदार पारी खेली। संजू के आउट होने के बाद राजस्थान को जीत के लिए 24 गेंदों में 52 रनों की दरकार थी और दुबे ने 16वें तथा फिर 17वें ओवर में कुछ अच्छे शॉट लगाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। लेकिन खलील ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शुभम दुबे को कैच आउट कराकर राजस्थान को बड़ा झटका दे दिया। दुबे ने 12 गेंदों पर 2 चौके और इतने ही छक्के की मदद से 25 रन बनाए। मैच में 18वें ओवर में आकर कुलदीप यादव ने पहली गेंद पर फरेरा को LBW और फिर आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को आउट करके राजस्थान को डबल झटका दे दिया। अंतिम दो ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 37 रन बनाने थे और पूरे ओवर खेलने के बाद भी टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और खलील अहमद ने 2-2 विकेट चटकाए जबकि रसिक सलाम को एक सफलता मिली और कुलदीप यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।